नमस्कार ऑल द स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द नॉन आइडियल सॉल्यूशन. बिफोर स्टार्ट दिस टॉपिक, डिस्कस द लास्ट टॉपिक दैट इज द वी नो दैट द बाइनरी सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड्स आर ऑफ टू टाइप, दैट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल. एंड वी नो दैट द व्हाट इज द आइडियल सॉल्यूशन, दैट इज आइडियल सॉल्यूशन दोज आर दोज सॉल्यूशन व्हिच ओबे द राउल्स लॉ, दैट इज द पी A equals to P not A and XB, and the PB equals to P not B XB. And we know that the P equals to PA plus B, that is the total pressure is equals to the partial vapor pressure of component A and the plus component B. Now, and also in the idea that obey the rule and the no change when mixing the two components, no change in volume when mixing the two components, and no change in enthalpy when mixing the two components, that is A and B. But for the non-ideal solutions, what is the conditions which are is must for the non-ideal? These conditions, those solutions which shows these conditions, they are the non-ideal solution. The first is the, those solutions which do not obey the Raoult's law. राउल्स लॉ को जो ओबे नहीं करते, उन सॉल्यूशंस को हम किस में रखते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन में. इट मींस दैट PA, दैट इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A, इज नॉट इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, एंड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B नॉट इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट प्योर कंपोनेंट B एंड इट्स मोल फ्रैक्शन. दैट इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर द नॉन आइडियल सॉल्यूशन. Now the second is AB interactions are different from the AA and the BB. AB interaction, हमने क्या कहा था कि A और B दो अलग-अलग components हैं. जब हम उनको mix करते हैं, तो अगर उसके interaction उसका same होता है, यानी AA BB equals to AB, that is the ideal solution. But if the interaction of AB, अगर हमने A और B को जब mix किया, तो अब AB interaction is are different from the AA and BB. यानी AA का interaction और BB का interaction जो है, वो AB से क्या आ रहा है? Change. Now the third condition is change in the volume when mixing the two components, that is A and B. When mixed with each other the two components, that is A and B, the change in the volume. यानी volume में कुछ changes आएंगे. Volume में changes यानी positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है. कहने का मतलब है, हमने दो कंपोनेंट्स को जब मिक्स किया, जब उसके इंट्रैक्शन में चेंज आ रहा है, यानी अगर हम मॉलिक्यूल्स के इंट्रैक्शन को देखते हैं, यानी ए बी ए ए और बी बी और ए बी, तो उस कंडीशन में हमने माना कि ए ए इतने पास में थे और अब ए बी 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 इतने, और लेकिन जब हमने देखा ए बी का इंट्रैक्शन, तो ए बी का इंट्रैक्शन कैसा आया है? चेंज हो गया, यानी या तो ज्यादा या फिर जो था उससे कम. यानी चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन चेंज आया है इन द वॉल्यूम व्हेन मिक्सिंग द टू कंपोनेंट्स, दैट इज दैट चेंज, चेंज इन वॉल्यूम, दैट चेंज शोइंग दैट दिस सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन. नाउ द नेक्स्ट इज चेंज इन एंथैल्पी. जब हम एंथैल्पी की बात करते हैं फॉर द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, तो एंथैल्पी में चेंज देखा गया, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो चेंज देखते हैं, यानी कि एनर्जी में चेंज हो रहा है. वहां पे तो जब हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करते थे, तो एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आ रहा था. जितनी एंथैल्पी एनर्जी पहले थी, उतनी की उतनी एनर्जी अब फॉर द टोटल, जो टोटल आएगी एंथैल्पी फॉर द सॉल्यूशन, वो सेम होगी. बट नॉन आइडियल की बात करते हैं, तो जब दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं, तो जो एंथैल्पी है वो चेंज होगी, मे बी द पॉजिटिव और मे बी द नेगेटिव, यानी या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट एमिशन होगा. जब हम बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन की, तो जो इनमें चेंजेस देखे गए, यानी नॉट इक्वल्स टू जीरो, डेल्टा एच आल्सो नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी वो उसके इक्वल नहीं है, यानी नो चेंज, इसमें चेंजेस जो है वो हो रहे हैं, यहाँ पे नो चेंज वाली कंडीशन है. तो यहाँ पे हम बात करें कि नॉट इक्वल्स टू जीरो, इट मींस दैट चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन एंथैल्पी, यानी चेंज कैसा हो सकता है? पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव. Now the next classification of the non-ideal solution on the basis of, that is deviation. जो हम बात करते हैं कि that is
change in a volume and change in a enthalpy and the interaction in between the A B and the A B is may be the greater and may be the less. यानी change होगा, जो interaction होगा वो भी change होगा. तो वो उस condition में हम क्या बात करते हैं, वो change कैसा हो सकता है, positive भी और negative. तो on the basis of that change, positive and negative, the ideal solutions are divided into two parts, that is positive deviation according to Raoult's law and the negative deviation according to the Raoult's law. That is first condition. हम इसमें difference की form में देखेंगे दोनों को. That is first difference and the first condition in which the those conditions apply for the positive deviation and those conditions apply for the negative deviation. Now the first point is AB interaction is less than AA and BB interaction. जब हम interaction की बात करते हैं तो हम क्या कह रहे थे कि जो AB का interaction है वो AA और BB के interaction से क्या होगा, change होगा. तो उस condition जब हम positive deviation की बात करेंगे तो AB interaction क्या होगा, कम होगा comparison to AA and BB. जबकि non ideal में क्या देखा गया था, AB interaction is greater than the AA and the BB. अब यहाँ पे इंट्रैक्शन का क्या रोल होता है, किस तरह का चेंज होता है, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं, यानी जो AA का इंट्रैक्शन था और BB का इंट्रैक्शन था, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो इंट्रैक्शन कैसा है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन दे रहा है, यानी या तो ज्यादा इंट्रैक्शन होगा या फिर कम होगा. जब यहाँ हम बात करते हैं AB इंट्रैक्शन पॉजिटिव के लिए, AB इंट्रैक्शन कैसा होगा, लेस होगा. जब दोनों कंपोनेंट को मिक्स करेंगे तो उस कंडीशन में उनका जो AB इंट्रैक्शन है वो क्या हो गया, A का इंट्रैक्शन और BB का इंट्रैक्शन, उससे AB का इंट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम. तो उस कंडीशन में वो एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, ज्यादा क्लोज आ जाएंगे. जब क्लोज आ जाएंगे तो उस कंडीशन में उनके अंदर कैसा डेविएशन देखा जाएगा, पॉजिटिव. यानी सॉरी AB इंट्रैक्शन की बात करेंगे, सॉरी AB इंट्रैक्शन यानी वो लेस है, यानी दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे फॉर द पॉजिटिव, और नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, वो नजदीक आ जाएगी. यानी जब इंट्रैक्शन कम होगा तो उस कंडीशन में कंडीशन ये हो जाएगी, दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर रहेंगे, ए और बी. जबकि अगर उनके अंदर इंट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, इंट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कम, क्लोजर टू ईच अदर, और वॉल्यूम पे क्या जाएगा, चेंजेस कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा. जबकि पॉजिटिव में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो हम यहाँ देखते हैं, दैट इज फर्स्ट कंडीशन, द ए बी इंट्रैक्शन इज लेस देन ए ए एंड बी बी, एंड द ए बी इंट्रैक्शन इज ग्रेटर देन ए ए एंड बी. नाउ द सेकेंड इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कॉम्पोनेंट ए अकॉर्डिंग टू Raoult's law. जब हम Raoult's law की बात कर रहे थे तो हम उसमें क्या कह रहे थे, इट्स इक्वल्स. बट यहाँ पे जब हम बात करते हैं, ये Raoult's law को ओबे नहीं करता, यानी इसमें जो चेंजेस आते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव. तो जब हम पॉजिटिव डेविएशन में बात करते हैं तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कॉम्पोनेंट ए इज ग्रेटर देन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कॉम्पोनेंट ए एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, एंड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कॉम्पोनेंट बी इज अगेन ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ कॉम्पोनेंट पी, दैट इज प्योर कॉम्पोनेंट बी एंड इट्स मोल फ्रैक्शन. नाउ एंड इन द नेगेटिव डेविएशन, this is the less than PA less than P not A XA and the PB less than P not A P not B XB. Now the third is volume. Now when mixing the two components, then the change in a volume is positive. Yani volume kya ho jayega? Bad jayega. Interaction kaisa hai isme? Kam hai. इंट्रैक्शन कम होगा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा जब ए और बी दोनों को हम मिक्स करेंगे. नाउ बट इन द नेगेटिव डेविएशन इंट्रैक्शन क्या है, हाई. इंट्रैक्शन हाई होगा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, जब वो एक दूसरे कम टू क्लोजर विद ईच अदर देन द वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नेगेटिव. नाउ द फोर्थ इज एंथैल्पी की जब हम बात करते हैं, एंथैल्पी में चेंज हो रहा है फॉर द नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ऑफ चेंज कैसा, पॉजिटिव और नेगेटिव. यानी या तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है या हीट रिमूव हो रही है, यानी
रिएक्शंस कैसी है, एक तरह से जो मिक्स कर रहे हैं हम दोनों को, तो कैसा होगा, या तो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। तो जब हम पॉजिटिव की डेफिनेशन की बात करते हैं तो जो एंथैल्पी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी हीट एब्जॉर्बिंग नेचर होगा फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। जब दो कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे तो उस कंडीशन में हीट एब्जॉर्ब बाय द कंपोनेंट, दैट इज द टाइप ऑफ एंडोथर्मिक इन नेचर दैट दीज सॉल्यूशंस। बट फॉर द नेगेटिव डेविएशंस the enthalpy is changed but change is negative, when the mix two components with each other and form the solution, then the energy released, that is the exothermic in nature, that these type of solution. Now the fifth point is related to the solid in a liquid. If the non ideal solutions and the solute is a solid, then if the positive deviation, then the solubility of solute solid will increases with rise in a temperature. यानी जितना ज़्यादा अपन temperature देंगे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, solubility of solute solid increases in the liquid. But for the negative deviations, they will decrease with rise in a temperature. Solubility क्या हो जाएगी? Decrease, कम हो जाएगी with rise in a temperature if the ideal solution is a have the negative deviation. Now the examples of the positive deviation is, first example, C2H5OH plus acetone, that is acetone is CH3COOCH3, that is the formula of acetone. Now the methyl alcohol plus water, and the example of negative deviation, that is ethyl alcohol plus water and the acetone plus benzene. Now the graphical representations for the both deviation, that is positive deviation and the negative deviations. हमने जब हम ideal solution की बात कर रहे थे तो हमने ये dotted line वाला graph देखा था, जिसमें हमने ideal solutions की conditions apply करी थी। वो graph ये जो था किसके लिए था, हमारा जो black dotted lines है वो था हमारे ideal solution के लिए। पर जब हम बात करते हैं non ideal solution के लिए, तो उस condition में हम क्या कह रहे हैं कि उसमें change in a volume, change in a enthalpy, and change in a interaction in between the A, B and the AA and the BB molecules when mixing the two components with each other and form the solution. Now, in this graph, हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे positive deviation के लिए हम क्या कहते हैं, volume क्या हो जाता है, change होता है, volume कैसा होता है, that increases, volume क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि interaction between the A B is less than the A A and the B B, but in this condition the interaction is high, A B interaction is high, greater than the A A and the B B. तो उस condition में हम graph के through देखते हैं कि इसमें volume क्या हो जाता है, increase हो जाता है, same वही है X A, that is the pure component, pure mole fraction of XA and the XB equals to 0, it means that mole fractions of B is the 0, means absent. हम ये pure के लिए देखते हैं, अलग अलग component A और component B के लिए, और फिर हम जब इसका total की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि P equals to PA plus PB is, यहाँ पे क्या होगा, ये बात कर रहे हैं तो not equals to है according to the Raoult's law. Here also, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि दोनों ही, जब दोनों के वेपर प्रेशर को जोड़ा जाता है और जब टोटल प्रेशर निकाला जाता है, दैट इज द नॉट इक्वल्स टू, यानी इनका जो वेपर प्रेशर है जो ये होना चाहिए थे वो क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है, इंडिविजुअल एंड द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इन दिस कंडीशन द नेगेटिव डेविएशन, उसमें उनके वॉल्यूम में क्या आ रहा है, चेंज। और जब हमने ग्राफ देखा, ग्राफ में वैल्यूज देखी, तो हमने क्या देखा, सेम वो ये है जो टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर इज नॉट इक्वल्स टू द पी ए प्लस पी बी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं ग्राफ में, ये लाइन कर ली कि चेंज कैसा आ गया, नेगेटिव, और इसमें कैसा है, यानी वेपर प्रेशर इसमें तो बढ़ गया है, और इसमें वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, जो एक्सेप्टेड वैल्यू थी अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ फॉर द आइडियल सॉल्यूशन, उससे जो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव डेविएशन के लिए ज्यादा,
for the negative deviation of ideal solution के लिए accepted value from the allowed slope से less है या कम, okay? Now today's homework is the question is the what are non-ideal solutions and when does a solution exhibit positive deviation from ideality? Thank you very much.